अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रांड न्यूज़ नेटवर्क। खबर शामिल करते हैं अमरीत के साथ। थाना सिटी के इलाका बिलाल पार्क में सगे भतीजे चौगा दर्जन के करीब मुसल्ला अफराद के हमरा चाचा के घर पर दावा। मुलजमान ने मिर्जा जुल्फकार के घर में घुसकर इसकी बीवी और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद किया। मुलजमान ने शाजिया बीबी के दांत तोड़ दिए और घर में मौजूद लड़कियों पर तशद्दुद करते हुए कपड़े फाड़ दिए। मुसल्ला अफराद ने मिर्जा जुल्फकार को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कपड़े फाड़े। मुलजमान ने 6 माह कबल भी हम पर दावा बोला था, जिसका मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कि SHO शहबाज नजमी ने मौका पर पहुंचकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मिर्जा जुल्फकार ने DPO शेख पुरा गाजी इस्लाहुद्दीन से इंसाफ का पुरजोर मुतालबा किया। 10-15 लड़के हैं जिन्होंने मुझ पर हमला अटैक किया सोटों डंडों के साथ। कौन लोग हैं वो? अपना अली शुएब, उमर शुएब, हसन हुसैन शुएब, उसके साथ उसके दूसरे दोस्त थे, पता नहीं वो कौन थे, 3 भाई थे। वो तीनों भाइयों ने, वो हमारे हमसाए हैं, उन्होंने हम पर हमला किया, हमारे अंदर दाखिल होकर, हमारे घर में दाखिल होकर, हमारे घर में भी सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मेरी बच्चियों के कपड़े फाड़े, मेरी बेगम का जख्मी किया, उसका दांत टूट गया और मेरी बच्चियों को भी जख्म लगे हुए हैं और फराशियाँ पड़ी हुई हैं, डंडों की दांत टूट गया है, उसका दांत टूट गया है। बहुत ही जुल्म किया है ये, मुझे मेरे कपड़े मारे, मुझे डंडों के साथ मारा, मेरे बच्चों को भी मारा, मेरी बेटियों को भी मारा, मेरी बीवी को भी मारा। और मेरी IG साहब से, मेरे DPO साहब से और जोर अपील है कि मुझे कानूनी तौर पर इंसाफ दिया जाए। आज से 3-4 माह पहले भी मुझे कानून की तरफ से इंसाफ नहीं मिला था, इन्हीं लड़कों ने मुझ पर फायरिंग की थी और मैंने 15 पर कॉल करके अपना पुलिस बुलाकर उनको पकड़वाया और पुलिस वालों ने उनसे पैसे लेकर उनको अपना 13-65 का पर्चा देकर उनको फारग कर दिया। छुड़वा लूँगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे इंसाफ दिलवाएं। अगर आज इंसाफ ना दिलवाया तो कल को वो हमारे ऊपर हैवी होकर हमारी जान भी ले सकते हैं।